ये देखें हम कहाँ बैठ के खा रहे हैं ये अचार। ये अल्लाह ने रोटी भी दे दी है। टिब्बिया तो जा रहे हैं वकास दे फंद भाई वकास। में अगर जंगल में आग मिल जाए इससे ज्यादा बेहतर कौन सा मौसम होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। राशिद भाई आप भी सलाम कर दें जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। सुबह के व्लॉग में खुश आमदीद, सबको वेलकम हो गया जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फजर की नमाज अदा करके हम घर जा रहे हैं। कुछ दिन से हमने सूरज निकलता हुआ नहीं देखा, तकरीबन 5-6 दिन हो गए। धुंध बादल सर्दी बहुत ज़्यादा। अब भी आप देख रहे हैं टोपे शोपे ऐसी चादरा शादरा लेके फुल लिपटे हुए हैं। आज हम एक टास्क पूरा करने वाले हैं, वो टास्क है आज हम इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि आज सारा दिन पैदल घूमें हम घर। हमने ये टास्क बनाया कि सुबह से शाम तक पैदल चलना है, शाम को घर आना है। टास्क टू उसका मैंने नहीं पता पा, यह राज थकन के बहन के भी थी, सारा कुछ करन के भाई जब थक जाएंगे बैठ जाएंगे, चलना तो पैदल है, सारा पता है पैदल चलना है। उसके पहला और मेरे साथ राशिद भाई साहब, वकास सर्दी का अंदाज़ा लगा लें किस तरह सब खुद को लपेट के रखा हुआ है। राशिद भाई क्या टाइम है, कहाँ तक जाना है, क्या इरादा है अपना? इरादा तो वाले फार्म तक जाएंगे। नहीं, उन्नी वाले फार्म से आगे जाएगा, हम नहर पक्की नहर पे जाएगा, डूबने का मजा आएगा, फिर ठंड में मजा लग जाएगा। कोई बात नहीं। चलते चलते हम रास्ते में एक जगह पे रुके हैं, वहाँ लगा हुआ है सोलर पैनल ट्यूबवेल पे, तो चक्की भी है तो ये खड्डा है एक, ये पूछना है ये किस लिए है। और असफन राशिद भाई उधर दौरा कर रहे हैं प्लेटों का पैनल का, इन भाई लोगों का है ये वाशरूम। इतना वीडियो परेशान ना हो लाला, इतना झिक्का थले हुए थे वाशरूम करा, कितने वाली है 545 वार दी एक प्लेट है। आ जरा खड्डा तुसी कह रहे थे ना वाशरूम वास्ते, मैं तो पहला नहीं क्या मैं जेड़ा तुसी हैरान हो गए यार। एक हुंदा डोडर खां, एक हुंदा वो उर्दू में एक होता है कवा, एक होता है डोडर कवा, पंजाबी में उसे डोडर कां कहते हैं, ठीक है। अच्छा वो क्या है, वो जो डोडर कां है ना वो बोली सीखने गया दूसरे मुल्क में। अच्छा तो ये तो काएं काएं करते हैं, वो गड़ैं गड़ैं करने लग गया, अभी हमने देखा है यहाँ पे। अच्छा इस तरह के कुछ बंदे भी होते हैं, दूसरी बोली बोलते बोलते ना गड़ैं गड़ैं करने लग जाते हैं। खा लो मुझे भी दो, ज्यादा तलब की है किसी ने, ये हराम दे दो। आपने कभी पट्टे खाने वाला ब्लॉगर देखा है, ये खा रहा है, ये तो गंदल है। ये जो वाले दरख्त है ना बहुत प्यारे लग रहे हैं रास्ते में, इसे क्या खग्गल कहते हैं? इसे खग्गल कहते हैं। ये जो है ना यहाँ दरिया खान में ना एशिया की सबसे बड़ी जो है ना लकड़ मंडी है, उसमें ये फरोख्त होता है, सिर्फ बालन के लिए इस्तेमाल होता है, इसकी लकड़ किसी काम की नहीं होती। वो वकास और आसमान तो चुप करके आगे चल रहे हैं, उनको सर्दी ज्यादा लग रही है। देखे इधर रास्ता, इस साइड पे रास्ता और इधर ये खाला, ये जंगल में पानी लगाने के लिए, ये जंगल में पानी लगाने के लिए और इधर रास्ता। माशाल्लाह बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है, लाइव देखने का तो अपना ही मजा है। बेलदार वगैरह भी रखे हुए हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ने, पूरा सर्कल है जी इधर इसकी देखभाल के लिए, बंदे वगैरह रखे हुए हैं इधर। ये देखें इधर भी जंगल, इधर भी जंगल, दरमियान में पानी का रास्ता है ये खाला जी। दोस्तों हम तकरीबन पैदल 3 से 4 किलोमीटर चल चुके हैं, पैदल चल चल के हम एक जंगल में आ गए हैं। ये कौन सा चक है असफन भाई? इधर 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 देखे, चक नंबर 23 टीडीए का जंगल, 23 ये जंगल है भाई, 23 टीडीए के जंगल में आ गए हैं भाई। ये सारा जंगल है और यहाँ से भी एक रास्ता है और इधर को भी, हमने किधर जाना है सीधा? अच्छा ये जंगल कितने रकबे पे मुहित होता है भाई, इधर मेरी तरफ देख के बता दो। इधर ये जंगल 4 चकवा इकट्ठा जंगल है, ये तो 100 एकड़ पे। हाँ ये 100 एकड़ ये वाला ये 4 चकूक का है, ये 4 चकूक मतलब 4 चक। 4 चक कौन कौन से? 23, 24,
27-28। और एक चक ये दरिया तहसील दरिया खान में ही है। हाँ जी, ये दरिया खान और बक्सर है। ठीक, ये है जंगल जी। ये जंगल को पानी लग रहा है, ये खाले में पानी आ गया, पिछले खाले में पानी नहीं था। तो अब ये देखें, इधर से आ रहा है सीधा, तो इस तरफ जा रहा है, यहाँ से गुजर के जा रहे हैं। मैं दिखा रहा हूँ भाई, दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये जा रहा है, ये सीधा, वो पता नहीं कितने तक जा रहा है। अब देखें माशाल्लाह। राशिद भाई कैसा लग रहा है जंगल में आके? बड़ा मजा आ रहा है, यकीन करो यार, सीन बहुत प्यारा है ना, सीन बहुत प्यारा है। वकास साहब आपको कैसे लगा? आप तो काफी दफा आए होंगे इधर, इनका तो अबाई इलाका है ये, तो यहाँ रास्ता इधर भी है। इधर यहाँ से असफंद भाई हैं, उसने हमें कसम दी है कि आपने इस बन्ने पे ही जाना, पक डंडी कहते हैं इधर। किधर है, किधर है, किधर? नहीं, वो भेड़ थी, उसको वकास भाई ने कहा गीदड़ है। रास्ते में हम गुजरते जा रहे थे तो जानने वाले वकास भाई और असफंद भाई के जानने वाले मिल गए। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है जी? ठीक, ये भाई ऊंट लेके और पीछे रेड़ा है, कोई काम के लिए है, तो हमने कहा क्यों ना हम व्लॉग में ले लें। क्या है ये? अभी ऊंट ये छोटा है, इसे बोता कहते हैं, छोटे ऊंट ऊंटनी, ऊंटनी। अच्छा ऊंटनी है, छोटा। ये पानी चल रहा है जंगल के लिए, कितना खूबसूरत लग रहा है भाई। ये दरिया सिंध का पानी है मेरे ख्याल में सारा, ये देख, सिंध का पानी। हाथ लगाए आपको सारा दिन काम पानी उतरेगा। विकास भाई एक दफा जंगल में आए थे। अच्छा, फिर शुरू करो। राशिद भाई और वकास भाई के साथ जंगल में एक वाकया हुआ था, वो सुनाने लगे हैं। कौन भाई, आप अपनी ज़बानी खुद सुनाएं। सुना दे। मैं भाई एक बार आया जंगल च, गर्मियां दे दिन थे, चंगिया गर्मियां थी। अच्छा, मैं एवं दरख्त नहीं है पुराना आया, तो थलो दी टप्पल लग गया, अगे देखा सप्प लम गया, खड़ा भज गया। और ये देखे जंगल के दरमियान खाली मैदान आ गया थोड़ा सा, और छोटे छोटे दरख्त, बहुत प्यारा, वो भी दिखाएंगे हम आपको यार, आपको सारा जंगल की हम सैर कराएंगे आज। ये देखिए, यहाँ पे दरख्त इसलिए नहीं है कि यहाँ पे ना थोड़ा ऊंची जगह है, टिब्बा वगैरह, इसलिए यहाँ पे बारिश वाले तो हो सकते हैं, पानी वाले नहीं होते। जंगल के दरमियान में खूबसूरत सी नहर, बहुत प्यारा सीन नजर आ रहा है माशाल्लाह। ये देखे यार जितना ओए है, होए होए खूबसूरत है ना पाकिस्तान, तो माशाल्लाह मजा आ गया देख के, दिल खुश हो गया। खूबसूरत है ना, कोई इलाका खूबसूरत नहीं है। वो भाई असफंद और भाई वकास आ गए, राशिद भाई मेरे साथ, और इस तरफ ये जा रहा है। यहाँ तक पक्की है नहर है ना? नहीं, ये थोड़ा सा हिस्सा पक्का है, बाकी ये कच्चा, आगे भी कच्ची है। नहर पे जो सीन है ना माशाल्लाह, हम देख रहे हैं जो कुदरती, बस हम अपनी आंखों से देख सकते हैं ना, वो कैमरे की आंख नहीं देख सकती। पता नहीं आपको कितना खूबसूरत लगेगा, लेकिन हमारा पाकिस्तान माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा है, दिल खुश होता है। ये देखे, पूछे राशिद भाई कुछ बता रहे हैं। भाई पता क्या है? हाँ जी, ये जो नहर आ रही है ना, पक्की नहर से आ रही है, वो जो बड़ी है। जी जी, यहाँ पे झाल बनाई गई है। हाँ, ये वाली है, यहाँ झाल बनाई गई है ताकि पानी को पीछे दाब लग जाए और ऊपर वाले मोगे में चढ़ जाए। हाँ, ये जा रहा है वो मोगा, ये अगर ये ना बनाया जाता उधर पानी ने नहीं चढ़ना था, अंग्रेज ने बड़ा बेहतरीन सिस्टम बनाया था। आज असफंद भाई कुछ चुप है, पता नहीं तबीयत नहीं ठीक, क्या है नाक मसला कर रहा है भाई का। हम जंगल के रास्ते से गुजरते हुए जा रहे हैं, तो सर्दी बहुत ज्यादा लगी हुई है, तो हम अब थोड़ा सा जंगल से निकले हैं कि कुछ दो तीन बालन इकट्ठा कर रहे हैं। राशिद भाई बालन ले, आग जला रखी थी और परा लकड़ियां ले, राशिद लकड़ियां भैया ने परा बहुत ज्यादा, और छापी। ये राशिद भाई ये सामने ये लकड़ियां वगैरह इकट्ठी कर रहे हैं, और वो उधर राशिद छापी चाके वो धुआं नजर आ रहा है, लकड़ियां ले रहा है। ओ वो देखे उधर राशिद, मार राशिद, ये राशिद भाई लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं। क्या राशिद भाई जा रहे हैं लकड़ी वगैरह ढूंढ के, बस एक दो ही मिली हैं। वो असफंद भाई फूंक मार रहे हैं, आग जला रहे हैं, और ये आप रास्ता देख सकते हैं, सारी रेत है।
बाइक चलना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो यहाँ से रोज गुजरते हैं उनके लिए तो आसान है। ये देखे राशिद भाई आग जला रहे हैं, कामयाब हो गए हैं। जल रही है। अब असंत भाई भी मेहनत कर रहे हैं और राशिद भाई, वकास भाई ने तो एक बस छोटा सा कपड़े का कोई टुकड़ा ही ढूंढा। लीर थले ला राशिद, फूंक मार अच्छी धुआं यार। बॉयज आग जलाने में कामयाब हो गए हैं। मैं थोड़ा सा ऊंची पहाड़ी पिके पके के गाना था, ऊंची पहाड़ी उत्ते मरगा पिया लाई बाजी, वतन छुड़ाया जन दुखिया ते नहीं राज। ये डांस हो रहा है, डांस देखें। असफन भाई वकास में अगर जंगल में आग मिल जाए इससे ज्यादा बेहतर कौन सा मौसम हो सकता है? कोई भी नहीं है, मजा आ गया भाई, सर्दी खत्म हो गई है भाई। ओए खिल्ला वाले बूटे ले, फट गया खिल्ला लगे हैं। हम बड़ी नहर पे आ गए हैं जो मियां वाली साइड से आती है, बहुत ज्यादा गहरी है, बहुत ज्यादा। वहाँ से इसको हेड कहते हैं जहाँ हम पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ से तकरीबन 2-3 नहरें निकलती हैं, मैं आपको विजिट कराता हूँ। आप ये देखें, ये देखें, ये हो गया हेड, ये है बड़ी नहर, ये आप देख सकते हैं, ये वाली, ये यहाँ पे इसके बारे में ये बारे में लिखा है। ये देखें इधर पढ़ के सुनाएं भाई, ये बस मैंने इधर वीडियो में ले लिया, ये आप लोग पढ़ लें। और ये माशाल्लाह देखें, गुलाब के फूल लगे हुए हैं और छोटे मोटे खूबसूरत सा सिस्टम बनाया हुआ है। और ये है बड़ी नहर, ये है हेड, इसको हेड कहते हैं। एक नहर जा रही है, ये वो जा रही है बखर की तरफ, और ये वाली तो होगी है बड़ी नहर। ये किधर जा रही है? लिया ये कहाँ से आ रही है? ये आपको काला बाग मियाँ वाली साइड से, 22 फुट गहरी है, 22 फुट गहरी है। अल्लाह माफ़ करे, यहाँ लोग नहाने आते हैं तो अक्सर कोई ना कोई खबर आती रहती है कि कोई ना कोई डूब गया है, अल्लाह माफ़ करे। ये एक ओ वहाँ से जा रही है नहर, वहाँ से आप देख सकते हैं पानी का बहाव कितना तेज़ है। मुझे यकीन करें डर लग रहा है, ऐसे कि मोबाइल हाथ से गिर जाएगा। ये देखें चक्कर कुंडा आ रहा है, ये देखें राशिद भाई ऊपर जा रहे हैं। ये देखें राशिद भाई, ज़रा ध्यान से जाइएगा, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा भाई। बाकी आप ना ही जाएं, भूख लगी है हमें बहुत ज़्यादा, तकरीबन 3 का टाइम है। तो हम चलते फिरते जंगल से बाहर निकल आए हैं, नहर पे आपको मैंने सीन दिखाया है। तो हमें एक भाई मोटरसाइकिल पे कुछ चीज़ें बेचते हुए नजर आया, हम वो लेने लगे हैं। अचार है, अचार है, निमको है, और क्या पापड़ वगैरह है। ये असफन भाई ले रहे हैं, ये सब भाई खाना। हम जंगल में फिर रहे हैं, मैंने आप सबको बताया है कि हम जंगल में फिर रहे हैं। यहाँ खाने पीने को कुछ भी नहीं मिला, हमने बहुत ट्राई की, लेकिन अल्लाह पाक हर जगह कोई ना कोई इंतज़ाम कर देते हैं। तो एक भाई आए साइकिल पे, उन वहाँ से हमने निमको ली, अचार लिया, पापड़ लिए। तो थोड़ा सा आगे चले तो एक घर आया, वहाँ से हमने दरवाज़ा नॉक किया, तो वहाँ से हमने खाने के लिए रोटी मांगी। ये देखें, तो ये भाई हम नहर के किनारे आ गए हैं, ये अल्लाह पाक ने रोटी का इंतज़ाम भी कर दिया है, और ये पापड़, और ये हमने फेरी वाले से अचार लिया था, ये अचार। अल्लाह पाक हर जगह इंतजाम कर देते हैं भाई, मान लो टुकड़े ही ला गया है। चलो जड़ी भी, ये देखें हम कहाँ बैठ के खा रहे हैं, ये अचार, ये अल्लाह ने रोटी भी दे दी। मजे, जंगल की सैर हो रही है भाई, जंगल की। राशिद भाई कैसा फील हो रहा है इधर भाई? इधर एक घर था, वहाँ से रोटी का इंतजाम हो गया, वो बंदे कह रहे हैं रोटी इधर से खा लो। नहीं भाई, सीधी बात है, फिर नॉक किया आपने दरवाज़ा ना, दरवाज़ा नॉक करके ना वहाँ से जाके ना रोटी मांगी हमने, और अचार हमने बाहर से खरीद लिया। ये खरीद लिया था एक भाई साइकिल से, साइकिल वाला। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज का हमारा टास्क मुकम्मल हो गया है, हमने ना किसी से कोई लिफ्ट ली है, पैदल चल रहे हैं अभी तक। हम घर पहुँचने वाले हैं, आधा रास्ता हमने
कंप्लीट कर लिया है और इंशाल्लाह घर तक पहुंच जाएंगे जल्दी 5-10 मिनट में। मेरी टीम मेरे साथ है, ये देखें अभी भी पैदल चल रहे हैं। कैसा लगा भाई? बहुत मजा आया आज तो भाई। राशिद भाई चासा आ गई है। वकास बेहतरीन होगा, लीर लीर। ये देखें ये टिब्बे, यहाँ लोगों ने चने की फसल काश्त की हुई है, उधर साथ ही वो उधर थोड़ा दूर ये गुआरा है। ये था आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है, पसंद आया है तो लाइक शेयर लाजमी कर दें, प्लीज़ मेहरबानी करो, तो चैनल नू सब्सक्राइब लाजमी करो, बेल आइकन नू क्लिक एवें कर दो, एवें एवें एवें। राशिद भाई दब दो दब दो दब दो दब दो दब दो। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और आप लोग भी हमें और मेरी टीम को दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।